फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी क्लिनजिंग पे है और क्लिनजिंग हमारे सीटीएम रूटीन की फर्स्ट स्टेप होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा है कि विदाउट प्रॉपर क्लिनजिंग आपके स्किन केयर रूटीन पूरी नहीं होती है। वीडियो में दिखाए सारे प्रोडक्ट नॉन स्पॉन्सर्ड है, मैं इसे इन जनरल यूज़ करती हूँ। हाय गाइस, आई एम सदाफ, वेलकम बैक टू माय चैनल यू एंड मी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल यू एंड मी को और बेल बटन पे क्लिक करें ब्यूटी, मेकअप, कुकिंग एंड DIY वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, DIYs के साथ साथ क्लेंजिंग के लिए एक अच्छा फेस वॉश मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम है कि मैं DIYs बहुत करती हूँ, लेकिन क्लेंजिंग के लिए मैं मार्केट वाली किसी भी एक फेस वॉश का यूज़ करती हूँ दिन भर में एक बार। अगर आप दो बार फेस वॉश कर रहे हो सुबह और शाम, तो दिन में एक बार आप मार्केट वाली क्लेंजिंग ज़रूर करें। DIY क्लेंजिंग घर के फेस वॉश से उस तरह की क्लेंजिंग नहीं होती है जो हमें चाहिए, इसलिए फेस क्लेंजिंग के लिए एक बार मार्केट वाली अच्छी सी कोई भी आपकी पसंद की फेस वॉश ज़रूर यूज़ करें और एक बार आप घर की DIY कर लो। मैं ऐसा ही करती हूँ, इसलिए मैं आपको भी यही सजेस्ट कर रही हूँ कि दिन भर में एक बार प्रॉपर क्लेंजिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑयल को, डर्ट को, मेकअप को रिमूव करे। क्लेंजिंग से ही नहीं रहा तो आप गंदे स्किन पे ही मॉइस्चराइजिंग करोगे, टोनिंग करोगे, इसलिए एक बार दिन भर में एक बार फेस वॉश किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ करना बिल्कुल ज़रूरी है। फ्रेंड्स, किसी भी अच्छे फेस वॉश की क्वालिटी होती है कि वो आपके स्किन को ड्राई नहीं करे, आपके स्किन पे माइल्ड हो, आपके स्किन के pH को मेंटेन करे और साथ ही साथ एक्सेस ऑयल, डर्ट को भी रिमूव करे। वीडियो में दिखाए फेस वॉश आप में से कई लोग यूज़ भी करते होंगे। सारे फेस वॉश नॉन ड्राइंग है, स्किन के लिए काफ़ी माइल्ड। मैंने सभी के इंग्रेडिएंट चेक किए हैं, सभी में अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट होने के साथ साथ सभी SLS फ्री हैं, पैराबेन फ्री हैं। फ्रेंड्स, इन सभी फेस वॉश में आपको SLS की जगह SLES मिलती है, दैट इज़ सोडियम लॉरेथ सल्फेट, जो हमारे स्किन के लिए जेंटल है, सेफ है और ये हमारे फेस वॉश में लेदर और फोम बनाने के काम आता है। इसलिए कभी भी इन दो टर्म्स में कंफ्यूज ना हो, SLS इज़ डिफरेंट, SLES इज़ डिफरेंट। हमारा फर्स्ट फेस वॉश है न्यूट्रोजेना का डीप क्लेंजिंग फेस वॉश। न्यूट्रोजेना के ऑलरेडी कई बॉटल्स में ख़त्म कर चुकी हूँ, इस तरह की पंपिंग बॉटल्स में आती है ये और काफ़ी इजी होता है इसे यूज़ करना। माइल्ड होने के साथ साथ ये बिल्कुल भी आपके स्किन पे हार्श नहीं है, आपके स्किन की pH को मेंटेन करते हुए आपके मेकअप को, डर्ट को, पॉल्यूशन को, एक्सेसिव ऑयल को काफ़ी इफेक्टिवली रिमूव करता है। न्यूट्रोजेना के इस फेस वॉश में आपको मिलेगी सैलिसिलिक एसिड, जो एक्टिव प्रोन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है हमारा जस्ट हर्ब का सिल्क स्प्लैश नीम एंड ऑरेंज फेस वॉश और ये वन ऑफ माई फेवरेट फेस वॉश में से एक है और इसकी स्मेल बहुत डिवाइन है, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। इस फेस वॉश के इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे हैं, आपको ऑरेंज पील, नीम एक्सट्रैक्ट, कोकम्बो एक्सट्रैक्ट, चंदन पाउडर मिलते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट होने की वजह से ये एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है और ये आपके स्किन को बिना ड्राई किए हुए बहुत इफेक्टिवली आपके मेकअप को, ऑयल को, डर्ट को रिमूव करता है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, आपको एक्ने हो, नहीं हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, हर स्किन टाइप वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लम का ग्रीन टी फेस वॉश। प्लम के भी प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी पसंद हैं, ये भी नेचुरल है, इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। फ्लिप कैप ट्यूब आती है, जेल बेस्ड ये आपको फेस वॉश मिलता है, पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, SLS फ्री, पैराबेन फ्री है। प्लम के इस फेस वॉश में क्लियर जेल के साथ साथ आपको बीट्स मिलेंगे, जो माइंडली एक्सफोलिएट करते हैं आपके स्किन को और ये हर स्किन टाइप के लिए बहुत सूटेबल है। कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन, नॉर्मल, इवन ड्राई स्किन के लिए भी ये बहुत सूटेबल है, बिल्कुल ड्राई नहीं करेगा आपके स्किन पे, बहुत माइल्ड है। एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छी है ग्रीन टी होने की वजह से। ग्रीन टी होने की वजह से ये फर्दर एक्ने को होने नहीं देता है, प्रिवेंट करता है एक्ने से। प्लम के इस फेस वॉश में आपको ग्लाइकोलिक एसिड मिलती है, जो आपके डेड स्किन रिमूव करने में हेल्प करती है। एंड लास्ट वन ऑफ माई फेवरेट, बॉडी शॉप की टी ट्री फेशियल वॉश। आप सभी को मालूम है कि बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और ये मेरा करंट फेवरेट है, मैं करेंटली इसे यूज़ कर रही हूँ और इसके कई बॉटल्स मैं फिनिश कर चुकी हूँ। आपको किसी तरह की भी एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, लाइक ड्राइनेस की वजह से, डैंड्रफ की वजह से, सिस्टिक एक्ने, हार्मोनल एक्ने या किसी तरह के भी एक्ने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। टी ट्री ऑयल के साथ साथ इसमें आपको हल्की सी कूलिंग इफ़ेक्ट मेंथॉल की मिलती है, जो बहुत सूदिंग है, बहुत रिलैक्सिंग है। प्राइस के अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी अच्छी मिलती है और ये अगर सिंगल पर्सन यूज़ कर रहे हैं तो दो मंथ आराम से चलता है।
किसी भी तरह की एक्ने के लिए, एक्ने के बाद होने वाले दागों के लिए, ब्लेमिशेस के लिए ये मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है और ये मुझे बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो फेस वॉश पे, जिसे मैं चेंज करते हुए यूज़ करती हूँ। सभी फेस वॉश बजट फ्रेंडली हैं, इंग्रेडिएंट अच्छे हैं, पैराबेन फ्री है, आपको एसएलएस फ्री है, एक्सेप्ट बॉडी शॉप की फेस वॉश। सभी फेस वॉश अंडर 500 हैं। प्रोडक्ट्स के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।